नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में CGL Pre 2023 में चोर पुलिस का जितना भी क्वेश्चन आया है हम उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि थीप स्टील्स अ वैन एट 3 AM और उसको 57 किलोमीटर पर आवर से लेके भाग रहा है। 4 बजे पता चला कि चोरी तो हो गया, फिर जो ओनर है उसको वैन में 76 किलोमीटर पर आवर से चेस करना स्टार्ट किया, तो हमें बताना है कि वो चोर को कब पकड़ पाएगा। 3 बजे चोरी हुआ है, 4 बजे पता चला, तो ये जो 1 घंटा है इसमें जो चोर है वो 57 किलोमीटर आगे चला गया होगा, क्योंकि उसका स्पीड क्या है, 57 किलोमीटर पर आवर। पीछे से जो आ रहे हैं ये है ओनर साहब 76 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। इन दोनों के स्पीड का गैप कितना है, 19 किलोमीटर पर आवर का। 19 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 57 किलोमीटर जब ट्रैवल हो जाएगा तब ये चोर को पकड़ पाएंगे। टाइम कितना लगा है, 3 आवर्स, तो 4 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 7, तो 7 बजे चोरी पकड़ी जाएगी या फिर चोर को पकड़ लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में बोलता है कि अब पुलिस मैन फॉलोज अ थीप जो 1250 मीटर आगे है। पुलिस मैन एंड थीप का जो स्पीड है वो 10 और 8 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि कितना दूर ये चोर भागेगा या कितना दूर भाग पाएगा पकड़े जाने से पहले। यहाँ पे पुलिस है, चोर है, बीच का जो गैप है कितना है, 1250 मीटर। यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं कि चोर एंड पुलिस जो है वो सेम टाइम पे भागना स्टार्ट किया है, तो टाइम हो गया सेम। अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वही क्या होता है, स्पीड का रेशियो, ये तो पता है। तो पुलिस एंड चोर का जो डिस्टेंस का रेशियो होगा, जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा पकड़े जाने से पहले, वो दोनों के स्पीड का रेशियो होगा। स्पीड क्या है, 10 और 8, तो 10/8 जिसको आप 5/4 लिख सकते हो। बीच में गैप आया है 1 यूनिट का, लेकिन एक्चुअली हमें पता है दोनों के बीच का डिस्टेंस का जो गैप है वो 1250 है, 1 का वैल्यू 1250 हो गया, तो जो 4 है, क्योंकि चोर का बताना है चोर कितना भागेगा, ये कितना हो जाएगा 5000 मीटर, जिसको आप 5 किलोमीटर भी बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर निकल के क्या आ गया है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि पुलिसमैन ने चोर को देखा कि वो 300 मीटर दूर पे है। पुलिसमैन चोर दोनों भागना स्टार्ट किया, एक ही साथ भाग रहा है। पुलिसमैन जो है 8 किलोमीटर पर आवर के, चोर जो है 8 किलोमीटर पर आवर और पुलिसमैन 9 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भाग रहा है, तो हमें बताना है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना 3 मिनट के बाद कितना रह जाएगा। यहाँ पे है पुलिस, ए है चोर, बीच का डिस्टेंस कितना है 300 मीटर। ए भाग रहा है 8 किलोमीटर पर आवर से, पीछे से भाई साहब आ रहे हैं 9 किलोमीटर पर आवर से। दोनों के स्पीड का जो गैप है, रिलेटिव स्पीड जिसको आप बोल सकते हो, उसी से पकड़ा जाएगा, तो बोलेंगे कि 9 - 8 1 किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो 5/18 मीटर पर सेकंड आएगा, बहुत सही बात है। अभी हमें बताना है 3 मिनट में इन दोनों के बीच का गैप कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लेगा 3 मिनट में। 5/18 के स्पीड से 3 मिनट में 60, ये कितना आ गया 10, इसका मतलब क्या हो गया, 50 मीटर का जो डिस्टेंस है ना इन दोनों के बीच कम जाएगा। तो अगर डिस्टेंस 50 मीटर कम गया है, पहले था 300, तो अभी बचा कितना, 250 मीटर, मतलब 3 मिनट दौड़ने के बाद भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 250 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि थीप इज स्पॉटेड बाय अ कांस्टेबल फ्रॉम 200 मीटर। यहाँ पे जो है थीप है टी और यह कांस्टेबल साहब, दोनों के बीच CO कांस्टेबल, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 200 मीटर। कांस्टेबल भागना स्टार्ट किए, इनका स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर का, और जो चोर भाई साहब है ये भाग रहे हैं आपका 6 किलोमीटर पर आवर से। फिर हमें बताना है कि कितना दूर चोर भाई साहब भाग पाएंगे जब वो पकड़े जाएंगे। बहुत सी सिंपल सी बात, टाइम दोनों का सेम है, टाइम अगर सेम हुआ तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होना चाहिए। तो कांस्टेबल एंड थीप का जो डिस्टेंस का रेशियो है, ये है हम डिस्टेंस का रेशियो, इनके स्पीड के रेशियो के बराबर होना चाहिए 8/6 जो कि है 4/3। बीच में गैप है, मतलब कि कांस्टेबल 4 यूनिट भागा है तो थीप 3 यूनिट, ये जो बीच का गैप है 1 यूनिट का, यही तो 200 के बराबर है, तो इस 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 600, मतलब 600 मीटर जब भागेगा तो फिर पकड़ा जाएगा। उस केस में कांस्टेबल जी कितना भागेंगे, 600 में 200 ऐड करना पड़ेगा,
800 मीटर। 12 में बोल रहा है कि कांस्टेबल राम किसके पीछे भाग रहे हैं, सोमेश, जो चोर है सोमेश। राम 50 मीटर एंड सोमेश 30 मीटर भागेंगे एक मिनट में। व्हाट विल बी द एट व्हाट टाइम विल द कांस्टेबल राम कैचेस द थीफ सोमेश। तो देखिए बीच का जो गैप है ना, ये क्या है, 225 मीटर है, तो रिलेटिव स्पीड से ही पकड़े जाएंगे। इनका स्पीड है चोर का 30 मीटर पर मिनट, और जो पीछे से कांस्टेबल साहब आ रहे हैं इनका स्पीड है 250 मीटर पर मिनट है। तो वी रिलेटिव अगर आप देखेंगे तो कितना आ गया, 20 मीटर पर मिनट। हमें टाइम निकालना है, तो टाइम कितना होगा, 225 मीटर जो है ना, इसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट नहीं, इसको चेंज करना है 20 मीटर पर मिनट से। सेकेंड में अगर निकालना चाहे तो ऊपर 60 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 3, यहाँ से आ रहा है आपका 675 सेकेंड, जिसको आप 11 मिनट एंड 15 सेकेंड भी बोल सकते हैं। तो सही आंसर क्या आ गया है, ऑप्शन नंबर 4। 3 में बोला है कि एक थीप को पुलिसमैन ने देखा है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 400 मीटर है। 400 मीटर यहाँ पे हो गए थीप, इधर हो गए पुलिस। पुलिस भागना स्टार्ट की है, थीप भी भागना स्टार्ट किए। थीप का जो स्पीड है ये क्या है आपका, 32 किलोमीटर पर आवर। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आया है, इनका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बताना है थीप कितना भाग पाएगा, कितना दूर जाएगा पकड़े जाने से पहले। तो डिस्टेंस का रेशियो जो है पुलिस एंड थीप का, ये इनके स्पीड के रेशियो के बराबर होना चाहिए। तो आ गया 40/32, क्या आ जाएगा, 5/4। ये जो बीच का गैप है 1 यूनिट, इसका वैल्यू है 400, थीप भागा है 4 यूनिट, तो हो गया 1600 मीटर। थीप 1600 मीटर भाग पाएगा पकड़े जाने से पहले। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि पुलिस जो है थीप को पकड़ रहे हैं, 600 मीटर पुलिस से आगे है चोर, पुलिस का स्पीड है इतना, इनका इतना है, हाउ मच टाइम पुलिसमैन थीप को पकड़ पाएंगे, टाइम निकालना है, निकाल लेते हैं। बीच का जो डिस्टेंस है 600 मीटर है, ये रिलेटिव स्पीड से ही पकड़ा जाएगा, 10-8 हो गया रिलेटिव स्पीड। ये तो किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ जाएगा कितना, 600 को आप 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे आ जाएगा कितना, 5×10 गया, इतना आया है सेकंड में। मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 मिनट। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि थीप को पुलिस ने देखा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 200 है, पुलिस का जो स्पीड है थीप का 25 किलोमीटर पर आवर और पुलिस का 32 किलोमीटर पर आवर, कितना दूर भागेगा पकड़े जाने से पहले। सब में यही आ रहा है, 210 मीटर है डिस्टेंस, इधर पुलिस से थीप है, थीप भाई भाग रहे हैं 25 किलोमीटर पर आवर से, और जो पुलिस चचा है 32 किलोमीटर पर आवर से उसके पीछे भाग रहे हैं। तो दोनों के जो डिस्टेंस का रेशियो है पुलिस एंड थीप के, स्पीड के रेशियो के बराबर होगा, क्योंकि टाइम सेम है। थीप को TH लिख लिया, 32/25 हो जाएगा। डिस्टेंस में जो गैप है वो 7 यूनिट का, लेकिन एक्चुअल में 210 है, एक का वैल्यू 30 हो जाएगा, तो 25 का वैल्यू हो जाएगा 750 मीटर। तो 750 मीटर भाग पाएंगे पकड़े जाने से पहले। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है कि एक थीप जो है क्राइम करके, अब बेलेबल है नॉन बेलेबल है तो पता नहीं, 12 मीटर पर आवर, मीटर नहीं माइल होना चाहिए, माइल पर आवर से भागा। सिक्योरिटी गार्ड इनके पीछे भागना स्टार्ट करेंगे 20 मिनट्स के बाद, ठीक। आफ्टर द थीप स्टार्टेड रनिंग एंड कॉट हिम इन नेक्स्ट 20 मिनट्स में पकड़ लिए। तो हमें बताना है जो सिक्योरिटी गार्ड साहब है इनका स्पीड क्या होगा। आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिक्योरिटी है, ये है थीप, बीच का गैप कितना है, 12 माइल चला जाता कितने, एक घंटे में, तो 20 मिनट में कितना जाएगा, 20 मिनट का मतलब एक तिहाई, 4 माइल हो गया बीच का गैप। अभी जो है यहाँ पे इनका स्पीड है आपका 12 माइल पर आवर, इधर से इनका मान लेते हैं क्या है, वी है, तो ऐसा लग रहा है कि वी माइनस 12 माइल पर आवर जो है इससे 20 मिनट में, 20 मिनट का मतलब इतना आवर में 4 माइल कवर कर लिया गया, बोलेंगे हाँ तो गया, नीचे क्या गया 3, वी का वैल्यू कितना आ गया 24 माइल पर आवर, तो बहुत ही समान सी बात है, 24 माइल पर आवर, ऑप्शन नंबर ए या 1 बोलिए।
16 में बोला है कि तीप जो है पुलिसमैन को देखा 300 मीटर का डिस्टेंस था, भागना स्टार्ट किया, स्पीड इतना है और 12 किलोमीटर पर आवर है, तो कितना डिस्टेंस भागा है पकड़े जाने से पहले? सेम क्वेश्चन आ गया, 300 मीटर। अभी तो आपको पता चल गया होगा कैसे करना, ये थीप हो गया, इधर पुलिसमैन हो गए, तो पुलिसमैन एंड थीप टाइम सेम है, तो डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो सेम होना चाहिए, तो 6/5, बीच का गैप 1, इसका वैल्यू है 300, तो 5 का वैल्यू हो जाएगा 1500। 1500 मीटर को ही आप 1.5 किलोमीटर बोल सकते हैं। सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 14 में दिया है कि थीप इज चेस्ड बाय अ पुलिसमैन और डिस्टेंस उसके बीच का है 3 किलोमीटर, स्पीड ऑफ पुलिसमैन इतना है, थीप का 60 किलोमीटर पर आवर है, पुलिसमैन जो है वो थीप को पकड़ लेगा व्हेन द थीप वुड हैव कवर्ड द डिस्टेंस। अगेन सेम लॉजिक, तो अभी हम ऐसे ही लिख लेते हैं, पुलिस एंड थीप का जो डिस्टेंस का रेशियो है उनके स्पीड के रेशियो के बराबर होगा, तो ये कितना आ जाएगा 5/4, गैप जो 1 यूनिट का है इसका वैल्यू 3 है, तो 4 का कितना हो जाएगा 12, तो आंसर है 12 किलोमीटर। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। 14 में क्या बोला है कि थीप ने पुलिसमैन को देखा डिस्टेंस है 200 मीटर, वो दौड़ना स्टार्ट किया और पुलिसमैन भागना स्टार्ट किया, थीप एंड पुलिसमैन का स्पीड दिया हुआ, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट्स, तो 6 मिनट में दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रह जाएगा? इनिशियल डिस्टेंस है 200 मीटर का, यहाँ से जो थीप है वो भाग रहे हैं 10 किलोमीटर पर आवर से, और जो पुलिसमैन साहब हैं 11 किलोमीटर पर आवर से भाग रहे हैं। बीच का डिस्टेंस जो कमेगा वो रिलेटिव स्पीड से कमेगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगे ये लोग? 11-10 के स्पीड से, मतलब 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 से कर दिया मल्टीप्लाई, ये हो गया मीटर पर सेकेंड, कितने देर में? 6 मिनट में, तो 6 × 60 सेकेंड हो गया, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 36, तो 20 बार में चला गया ना, तो हो गया 100 मीटर। 100 मीटर डिस्टेंस कम जाएगा तो डिस्टेंस रिमेनिंग कितना बचेगा? 100 मीटर ही बचेगा, क्योंकि 100 मीटर तो ट्रेवल हो गया। डी रिमेनिंग ये हो गया है 200 मीटर में से हमें 100 मीटर को कम करना है, बच गया 100 मीटर। 7 में क्या बोला है कि पुलिसमैन जो है और थीप इसके बीच है 0.5 किलोमीटर का डिस्टेंस, स्पीड ऑफ थीप इज 80% ऑफ द स्पीड ऑफ पुलिसमैन और 12 मीटर में पकड़ा गया है, स्पीड ऑफ थीप क्या होगा? 80% है, मतलब पुलिसमैन और थीप का जो स्पीड है ना, 80% का मतलब क्या होता है? 4/5, इनका 5 है तो इनका 4 होगा, यही होगा ना, तभी तो 80% होगा, 5 को 4/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बहुत सही बात। डिस्टेंस कितना है तो पता चला कि 500 मीटर या 0.5 किलोमीटर, जिसको आप 1/2 किलोमीटर भी बोल सकते हैं, बहुत सही बात है। इधर से 4 या के या कुछ भी मान लेते, 4K के स्पीड से जा रहा है चोर और पुलिस पीछे से 5K के स्पीड से आ रहा है, ये भी ठीक है। कितना देर में ट्रेवल कर लिया है? 12 मिनट्स में। तो 1/2 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस जो है आपका 1/2 किलोमीटर का, इसको इन लोगों ने रिलेटिव स्पीड जो कि 5K-4K से किलोमीटर पर आवर है, 12 मिनट्स में कवर कर लिया। 12 मिनट का मतलब क्या हम 12/60 आवर बोल सकते हैं? बोलेंगे हाँ, गया 5 बार में। इसका मतलब K का वैल्यू कितना गया है? 5/2। अगर K का वैल्यू 5/2 है, हमें निकालना है कि थीप का स्पीड है, थीप का स्पीड कितना है भैया? 4K, तो 4K का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर। तो इनका स्पीड जो है थीप का, यह है 10 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि पुलिसमैन और थीप डिस्टेंस है 500 मीटर, दौड़ना स्टार्ट किया, पुलिस चेस करना स्टार्ट किया, पुलिसमैन का स्पीड है इतना और चोर का है 17 और पुलिसमैन का इतना है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 मिनट के बाद कितना होगा? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है ना, ये कितना कर लेंगे 8 मिनट में, क्योंकि इन लोगों के बीच जो का जो स्पीड कमेगा ना दोस्त, ये तो रिलेटिव स्पीड के ही कारण कमेगा, डिस्टेंस जो कमेगा, बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। तो रिलेटिव स्पीड कितना है? आप बोलेंगे कि 20-17, 3 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से कर लिया, ये हो गया मीटर पर सेकेंड, ये रिलेटिव स्पीड हो गया है। 8 मिनट की बात हो रही है, इसको हम आवर में सेकेंड में कन्वर्ट करना है, सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई कर लिया, सो देख लेते हैं, अच्छा 48 है तो 3 × 48, 10 × 50, 8 × 400,
400 मीटर का डिस्टेंस कम जाएगा, तो डी रिमेनिंग कितना होगा, 500 था और 400 चला गया, MAIN, ये बच गया आपका कितना, 500 में से 400 गया। ऐसे तो लिखने की ज़रूरत नहीं, आप जल्दी बोल पाएंगे 100 मीटर, तो डिस्टेंस कितना बच गया, 100 मीटर। 19 में क्या दिया है कि पुलिसमैन एंड थीव के जो स्पीड है वो क्या है, 8 और 6 है। इधर से पुलिस जी जा रहे हैं 8 किलोमीटर पर आवर, पुलिस, और थीप जो जा रहा है वो कितना की स्पीड है, 6 किलोमीटर पर आवर। इफ द पुलिस मैन स्टार्टेड 10 मिनट्स लेट, एट व्हाट डिस्टेंस ही विल कैच द थीप। 10 मिनट्स लेट स्टार्ट किया है इन्होंने, तो 10 मिनट में चोर कितना भाग जाएगा, बोलेंगे कि हाँ देख लेते हैं। 6 किलोमीटर पर आवर से 10 मिनट्स में जो डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है डी, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 × 10 मिनट्स, उसको हमें क्या करना होगा, आवर में कन्वर्ट करना होगा, तो आंसर आ गया आपका 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया है। आइए अभी बताना है, एट व्हाट डिस्टेंस ही विल कैच द थीफ, मतलब पुलिस कितना दूर भागेगा पकड़ने से पहले, यही है ठीक। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो पुलिस एंड थीप का जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। जब वो देखा पुलिस थीप को, क्या ये तो भाग रहे भाग रहे, पीछे से भागो, उस टाइम की हम बात कर रहे हैं, तो स्पीड का रेशियो एंड डिस्टेंस का रेशियो सेम होगा। तो यहां से कितना गया, 4/3 हो गया। ये जो बीच का गैप है 1 यूनिट ना, इसका वैल्यू है 1 किलोमीटर, इस 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर। इसका मतलब पुलिस को 4 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, शुरू में देख लिया होता तो भागना ही नहीं पड़ता। 5 में क्या बोला है कि पुलिस मैन जो थीप को पकड़ना स्टार्ट किया, 600 मीटर आगे है चोर, ये 9 से भाग रहे हैं, वो 8 से भाग रहा है, तो हमें बताना है कि देन द थीप वुड बी कॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस भागेगा, आइए देख लेते हैं। यहां से क्या है कि डिस्टेंस कितना है, 600 मीटर का है, ये भाग रहा है 8 किलोमीटर पर आवर से, और इधर से ये भाग रहे हैं 9 किलोमीटर पर आवर से। जो दोनों के, पुलिस और थीप का जो डिस्टेंस का रेशियो है ना, वो स्पीड के रेशियो के बराबर हो जाएगा, तो 9/8 के बराबर हो जाएगा। इन दोनों के बीच का गैप है 1 यूनिट का, लेकिन एक्चुअली में ये गैप कितने का, 600 का। 1 का वैल्यू 600 है, 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया, 5400 मीटर, जो हो गया 5.4 किलोमीटर, और 8 का वैल्यू हो जाएगा 4.8 किलोमीटर। अगर आप देखेंगे तो 4.8 ऑप्शन में है नहीं, तो हमें क्या टिक करना है, 5.4, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला नहीं है ना कि पुलिस थीप को कितना दौड़ना पड़ेगा तो पकड़ा जाएगा, या पुलिस को कितना दौड़ना पड़ेगा तो पकड़ा जाएगा, इसलिए हम 5.4 मार देंगे। अगर 4.8 रहता तो क्या होता, बोनस नंबर मिल जाता, क्योंकि क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है। 17 में दिया है कि थीप जो है वो पुलिस को देखने के बाद, जो डिस्टेंस है 400 मीटर का, 16 किलोमीटर पर आवर से भागना स्टार्ट किया, पुलिस उसके पीछे 18 किलोमीटर पर आवर से भाग रही है, और थीप पकड़ा गया, व्हाट डिस्टेंस रैन बाय थीप, यहाँ पे बताया थीप कितना भागेगा। तो सेम स्टोरी, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आ गया, अब तो आदत हो गया आपको, 400 मीटर इधर से भाग रहा है 16 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से भैया भाग रहे हैं 18 किलोमीटर पर आवर, ये है अपने पुलिस, ये है चोर साहब, तो इनके स्पीड का जो रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि टाइम सेम है। टाइम क्या है भाई, सेम है, एक ही साथ भागना स्टार्ट किए, तो 18/16, ये आ गया आपका क्या, 2/9/8, ये जो 1 यूनिट है इसका वैल्यू है 400 मीटर, ये 4 का वैल्यू हो जाएगा 3200 मीटर, 3200 मीटर को आप 3.2 किलोमीटर भी बोल सकते हैं, लेकिन आंसर है 3200 मीटर, यही हो गया। 14 में क्या दिया है कि थीप जो है चोरी किया, भागना स्टार्ट किया, उसका स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, पुलिस जो है 4 मिनट लेट पहुंची है और दौड़ना स्टार्ट की, 16 मिनट्स आफ्टर द पुलिस मैन स्टार्टेड टू चेस द थीप, देयर इज स्टिल अ गैप ऑफ 200 मीटर बिटवीन द टू, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्पॉट ऑफ द क्राइम द पुलिस मैन कैच अप द थीप, एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पुलिस मैन। चलिए इसमें थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो हुआ क्या है, हम सिनेरियो को समझते हैं, यहाँ पे चोरी हुआ, हुआ थीप का जो स्पीड है ये कितना है आपका, 15 किलोमीटर पर आवर का है, और पुलिसमैन का स्पीड कुछ है मान लेते हैं, अभी हमें पता नहीं है, 4 मिनट के बाद यहाँ पे पुलिस पहुँची है,
तो 4 मिनट में गैप क्रिएट होगा, एक कितना का गैप क्रिएट होगा, ये जो डिस्टेंस डी है 4 मिनट में, 15 किलोमीटर पर आवर से 4 मिनट का मतलब हुआ 4/60, आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 किलोमीटर का गैप क्रिएट हो गया। बोलेंगे चलो ठीक है, अभी ये भागना स्टार्ट किया। क्वेश्चन में बोलता है कि जो 16 मिनट्स भागने के बाद, आफ्टर 16 मिनट्स पुलिस यहाँ पे पहुंची एंड चोर यहाँ पे है, पुलिस एंड चोर के बीच का जो गैप है ना 200 मीटर है या भाई, इसका मतलब जो गैप है वो 800 मीटर कम गया है। बोलेंगे हाँ कम गया है, अगर 800 मीटर कम गया तो कमा क्यों, रिलेटिव स्पीड के कारण कमा होगा। तो वी माइनस 15 जो किलोमीटर पर आवर है, इसको हमने 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो मीटर पर सेकेंड हो गया, ध्यान रहे मीटर पर सेकेंड है, इससे 16 मिनट 16 × 60 सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा करके लोग 8800 मीटर कवर कर लिया है। बात समझ में आ गई, 800 मीटर कवर कर लिया 16 मिनट 60 सेकेंड, क्योंकि मीटर पर सेकेंड को सेकेंड से मल्टीप्लाई करना था, तो 16/25 = 50 गया, 6 × 18 = 55 गया, तो V का जो वैल्यू आया है वो आ गया है 18 किलोमीटर पर आवर। और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 18 किलोमीटर पर आवर में एक ही ऑप्शन है, वही हम टिक कर देंगे। इसमें क्या दिया है कि पुलिसमैन ने चोर को देखा, डिस्टेंस है 400 मीटर का, और एक 10 किलोमीटर पर आवर से, दूसरा 12 से भागना स्टार्ट कर दिया। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट पुलिसमैन विल कैच द थीप। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि जहां से पुलिस है, ये पुलिस हुआ, ये हुआ चोर, 400 मीटर का गैप है, इधर भाग रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, और ये जो पुलिस जी हैं भाग रहे हैं 12 किलोमीटर पर आवर से, सेम लॉजिक, टाइम सेम है। जैसे ही टाइम सेम हुआ, स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर, पुलिस एंड चोर के जो स्पीड डिस्टेंस का रेशियो है स्पीड के रेशियो के बराबर होगा, जिसको आप 6/5 लिखेंगे, एक का जो वैल्यू है वो 400 मीटर है, पुलिस भैया 6 भागे हैं तो 2400 मीटर हो गया, जिसको आप 2.4 किलोमीटर बोल सकते हो, तो 2.4 किलोमीटर पे पकड़ा जाएगा, आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 18 में बोला है कि थीप ने एक आइटम चुराया और भागा 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, पुलिस वहां 6 मिनट लेट पहुंची और भागना स्टार्ट कर दी 24 मिनट के बाद, जो है देखा कि 400 मीटर का गैप अभी भी है, तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्पॉट ऑफ क्राइम पुलिस जो है उस चोर को पकड़ लेगी, और हमें बताना पुलिस का स्पीड क्या है। यहाँ पे ये है पुलिस, ये है चोर, चोर का स्पीड है कितना 20 किलोमीटर पर आवर, और पुलिस 6 मिनट लेट पहुंची है, तो 6 मिनट में डिस्टेंस क्रिएट हो गया कितना का, 20 किलोमीटर पर आवर से 6 मिनट मतलब 6/60, 2 किलोमीटर का गैप हो गया। अभी पुलिस जो है ना ये वी से भाग रहा है, इसकी तरफ भागना स्टार्ट किया, 24 मिनट के बाद जो है 400 मीटर का गैप अभी भी है, तो पुलिस यहाँ पे 24 मिनट के बाद पहुँची है, अगर 400 मीटर का गैप ए बचा, इसका मतलब 1600 मीटर कवर कर लिया गया है। बोलेंगे हाँ, तो वी माइनस 20 के स्पीड से किलोमीटर पर आवर जो है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, 24 मिनट्स 24 × 60 सेकेंड हो गया, ऐसा करके ये लोग 1600 मीटर को कवर कर लिए हैं। तो देख लेते हैं, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10 से 0 चला गया, 6 × 3 = 18 और 3×8 = 24, 8×5 = 40, 4 बार में, तो जो V का वैल्यू आ गया ये कितना गया, 24 किलोमीटर पर आवर आ गया है। ओके, अगर 24 किलोमीटर पर आवर आ गया है, हमें बताना कितना दूर के बाद पकड़ा जाएगा, तो कोई बात नहीं, अभी जो है टाइम सेम हम कर लेंगे, क्योंकि जब चोर भागना स्टार्ट किया ना दोस्त, चोर को जब पुलिस देखा तो पुलिस जा रही है, चोर जा रही है, यहां से टाइम सेम हुआ। टाइम सेम कब, व्हेन पुलिस स्टार्ट्स रनिंग, जब पुलिस भी भागना स्टार्ट की, वहां से तो सेम ही टाइम तक दोनों भागा है, तो डिस्टेंस का जो रेशियो होगा पुलिस एंड चोर का, ये इनके स्पीड के रेशियो के बराबर होगा, जो कि है 24/20, जिसको आप 6/5 बोल सकते हैं। ये जो बीच का गैप है 1, इसका वैल्यू है 2 किलोमीटर, क्योंकि 2 किलोमीटर गैप हो गया है, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर,
क्योंकि जो पुलिस है ना वही तो क्राइम सीन से भागना स्टार्ट की है, और हमें क्राइम सीन से कितना दूर होगा ये बताना था। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि पुलिस मैन एंड चोर के बीच का गैप है 360 मीटर, एक साथ भागना स्टार्ट किया है और जो थीप का 8 किलोमीटर पर आवर एंड पुलिस का 9.2, हाउ मेनी मीटर्स विल द पुलिस मैन हैव टू रन, तो पुलिस मैन कितना भागेगा। देखिए फिर से वही बात, बीच का गैप है 360 मीटर, चोर भाग रहा है 8 किलोमीटर पर आवर से और पुलिस इसके पीछे भाग रहा है 9.2 किलोमीटर पर आवर से। ये जो बीच का गैप है ना, डिस्टेंस डी, ये है 360 मीटर, तो यहाँ पे पुलिस है यहाँ पे चोर है, इनका जो डिस्टेंस का रेशियो होगा क्योंकि एक ही साथ भागना स्टार्ट किया, स्पीड के रेशियो के बराबर होगा, मतलब 9.2 बाई 8, जिसको आप 92/80 लिख सकते हैं, तो आ जाएगा 23/20। बीच का गैप क्या है, 3 का वैल्यू है 360, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 120, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0, 12 + 36 और 24 × 3 = 27, 2760 मीटर हो गए। तो पुलिस को 2760 मीटर भागना पड़ेगा पकड़ने से पहले। 19 में क्या दिया कि थी जो है प्रीसियस मेटल को पकड़ा, चोरी किया 1100 और भागना स्टार्ट किया, जब 1150 मीटर पे था तो पुलिस को पता चला है ना वो 6 किलोमीटर पर आवर से चोर भाग रहा है, इसके पीछे पुलिस जी 11 किलोमीटर पर आवर से भाग रहे हैं, तो थीप कितना दूर भागेगा पकड़े जाने से पहले। इस टाइप का बहुत क्वेश्चन कर लिया है, 1150 है इनका स्पीड है चोर का 6 किलोमीटर पर आवर और पुलिस का जो स्पीड है ये 11 किलोमीटर पर आवर का है, यह है पुलिस यह है चोर, एक साथ भाग रहे हैं, तो जो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, स्पीड के रेशियो के बराबर होगा, 11/6 हो जाएगा। बीच का गैप कितना है 5, इसका वैल्यू है 1150, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 230, चोर कितना भागेगा ये बताना, ये 6 है तो 0, 36, 18 और 12 = 13, 1380 मीटर हो जाएगा। तो इसी के साथ सीजीएल प्री 2023 में जितना भी थीप एंड पुलिसमैन का क्वेश्चन था इसको हमने कवर कर लिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर ये बेनिफिशियल लगा तो फिर वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट या फिर नए इन्फॉर्मेशन के साथ।